अज पंजाब दी सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब नू सन्मुख रख के अपने दो MLA साहबान उन्होंने कोल अपनी चिट्ठी दे के भेजे। आ जिहड़ी चिट्ठी तुसीं मेरे हाथ विच वेख रहे हो लफाफे दे विच बंद है। पहला असी पांच सिंह जिहड़े ने सामने खड़े आ, असी विचार करांगे, दुनिया भर के बैठे सिखां दी विचार लवांगे इस पत्र के उत्ते। उस तो बाद जिहड़ा फैसला इत्थे होगा वो पूरी दुनिया के रूबरू होगा। सरकार वालों दखलअंदाजी दी जा रही है जिहड़ी कि तुसी दे नहीं सकते। तुसी सानू अकाल तख्त साहब के उत्ते आ के इहदा जवाब दिओ भई ये क्यों किया गया। अज असी इत्थे सिंह साहब जी इन्हां दे सद्दे ते पहुंचे हाँ। CM साहब का जिहड़ा सुनेहा चिट्ठी लैके आए हैं इन्हां नूं अज्ज ओह पहुंचाई है। तो मैं तो यही बेनती करना चाहुंदा कि असी सारे गुरु दे सिख हाँ, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी उन्हां दे सिख हाँ, तो सारे ही उन्हां दी रजा दे विच रहण वाले हैं। तो अज असी वो जिहड़ी चिट्ठी है सिंह साहब नूं दित्ती है CM साहब वालों, तो मैं यही चाहुंदा कि असी सारे जिन्ने भी हाँ असी सारे अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हाँ, समर्पित सी ते समर्पित रहांगे। ਕਿਉਂ ਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ MLA ਦਸੂਆ ਜੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ सिख धर्म दे विच जो कि कानूनी किसी भी तरीके हो नहीं सकता दखलअंदाजी करन दी कोशिश कीती है। सो मेरी संगतां वल्लों ड्यूटी लगी है जथेदार जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी च कि जदों भी कोई सिख कौम दे उत्ते गुरु मर्यादा दे उत्ते कोई हमला हुंदा ते मैं उहदे विरुद्ध आवाज़ समय समय उठाउंदा रहिंदा। सो उस नूं मुख रख के पंच प्रधानी मर्यादा दे मुताबक असीं पंजाब सरकार दे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं श्री अकाल तख्त साहब दे उते बुलाया और ये कहा कि ये जो वाव वेला खड़ा किया गया वा जां गुरु मर्यादा दे विच सरकार वालों दखलअंदाजी दी जा रही है जिहड़ी कि तुसी दे नहीं सकते। तुसी सानू अकाल तख्त साहब दे उते आ के इहदा जवाब दिओ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਾ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ना कोई धड़ेबंदी का मसला है, तो ना ही कोई दवैत का मसला है। इत्थे सभे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बारा जियो। श्री हरिमंदर साहब के दरवाजे पूरी मनुखता दे लई हमेशा खुले रहिंदे। इत्थे कदी नहीं पुछया जांदा कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू बुद्धी है, तू सिख है, नहीं पुछया जांदा।
इत्थे श्रद्धा नूं मुख रख के आस्था नूं मुख रख के दुनिया दीआं संगतां इत्थे आ के नकमस्तक हुंदीआं ने। सो इह सिखां दे जिहड़ी मर्यादा मान मर्यादा भावें श्री अकाल तख्त साहिब दी है, भावें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी है, भावें श्रोमणी अकाली दल दी है, ये सिखां दे अपने मसले है। सिख बिखर जांदे ने, बहुत वारी बिखरे ने, बहुत बड़ी अलग थलग होए ने, पर साडा गुरु एडा समर्थ है कि वह कृपा करके फिर किसी ना किसी रस्ते दे उत्ते किसी ना किसी मोड़ दे उत्ते लिया के सानू कट्ठियां कर देंदा है। सो वो जिहड़ा एकता दा फर्ज, वो जिहड़ी एकता दी गल, वो जिहड़ी मान मर्यादा दी राखी दी गल असी करदे रहे हां। अज भगवंत सिंह मान नूं असी तीसरा मौका दिता सी कि तुसीं आ के अपना पक्ष स्पष्ट करो। देर है दुरुस्त है, अज पंजाब दी सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब नूं सन्मुख रख के अपने दो MLA साहिबान उन्हां दे कोल अपनी चिट्ठी दे के भेजिया। आ जिहड़ी चिट्ठी तुसी मेरे हाथ विच वेख रहे हो लफाफे दे विच बंद है, इहदे विच मैनू नहीं पता की लिखिया है की नहीं लिखिया। सो मैं एडा काला काला निगम है, मैं संगत नूं पता ला के ही हटांगे, मैं एडा काला नहीं है। सो मैं समुची सिख पहला असी पांच सिंह जिहड़े ने सामने खड़े आ, असी विचार करांगे, दुनिया भर दे विच बैठे सिखां दी विचार लवांगे इस पत्र दे उत्ते। उस तों बाद जिहड़ा फैसला इत्थे होगा वो पूरी दुनिया दे रूबरू होगा। इस करके मैं प्रेस तों मीडिया तो इस गल दी समय दी मंग करदा, सानू समां दिओ। असी जो तुहाडे मन दीआं भावनावां ने जां संगत दे मन दीआं भावनावां है, फैसला उहनां भावनावां नूं दबा के नहीं होगा, पर किहो जिहा फैसला कीता जावे, क्योंकि जवाब आया है, सरकार दा जवाब आया है, इहदे ते विचार करके आउण वाले दिनां दे विच असी बकायदा डेट देवांगे। इस महीने दे विच असी डेट देवांगे, उस डेट दे उत्ते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहिब दा फैसला वा वो सारियां संगतां दे ते मीडिया दे रूबरू कीता जाऊगा। सिंह साहब ये जो फ्रेंडली मैच है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक सोध की है जी, श्रोमणी कमेटी ने वह विरोध किया, अकाली दल बादल ने भी विरोध करता, हम तुम भी उस ही पैटर्न के उत्ते एक दोस्ताना मैच खेडते हैं, बादलों का बॉल चुके अपने हाथ लै लिया तो उन्होंने बाहर सुटना की सारा जी, थोड़ा जहा क्लीयर करा। मैं किसी की तो गरंटी नहीं दिता, कौन पहलों की करता रहा है ते कौन हुण की करता है। श्रोमणी कमेटी भी सरकार नूं इसे गल ते लैके बलेटदी है, अकाली दल बादल भी यो गल कहिंदा, अज सरबत खालसा भी यो गल कह रहा, जदकि श्रोमणी कमेटी ने कदी सरबत खालसे नूं मानता ही नहीं दित्ती। असीं किसे नूं कहिंदे भी नहीं हैगे सानूं मानता दिओ, असीं नहीं कहिंदे हैगे, जदों कौम ने मानता दित्ती है सानूं किसे बंदियां दी किसे धड़ियां दी मानता दी लोड़ नहीं। असीं किसे दे नाल ना तो अज तक फ्रेंडली मैच खेडिया वा ते ना असी खेडना वा, जिहड़ी गल होगी सिर तो लैके पैरां तक जिहड़ी है वह श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पण हो के इहदी मर्यादा नूं मुख रख के होगी, इहदे उत्ते कोई शंका ना करे, पारदर्शी सारा कुछ करांगे। सो इस करके तुसीं कहिंदे हो मैं चिट्ठी खोल देवां, मैं चिट्ठी खोल सकदा वा, मैं खोल सकदा वा, पर जिहड़ी गल पंथ बनाउणी चाहुंदा, जिहड़ी गल कौम बनाउणी चाहुंदा, वह बननी नहीं।
ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਮੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ।